अच्छा तराना, तुम कितनी देर से कहे जा रही हो कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो फिर हम दोनों के बीच में अक्सर ये नोकझोंक क्यों होती रहती? अब नोकझोंक तो इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी आप स्लाइटली ओवर द टॉप हो जाती हैं, थोड़ी बॉसी हो जाती हैं। बॉसी हो जाती हो? थोड़ी बहुत हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। इट्स माई वे और द हाई वे, हाँ ऐसा कहते हो आप। चलो हो सकता है कहा हो, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है उसकी वजह से होता है, यानी तुम्हारी लैंग्वेज में जनरेशन गैप। जो बच्ची है वो जिंदगी में दौड़ना ही नहीं, उड़ना चाहती है, जैसे तुम गाड़ी चलाती हो 80 की स्पीड पे। मेरी ड्राइविंग के बारे में कुछ मत कहिए। नहीं नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, समटाइम्स अर्लियर आल्सो जरूर पहुंचाती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी ये उड़ने की डोर को कस के ना बांधू तो हम कहीं और भी पहुंच सकते हैं, मंजिल की जगह। अच्छा ठीक है, मंजूर मंजूर, पर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम दोनों के बीच में चाहे जो भी डिफरेंसेस हो या जितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन अगर बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम मिलकर उसका सामना करते हैं और हमेशा जीतते हैं। ये बात तो है। इस रिश्ते की खासियत ये है बेटा कि जब बाहर की मुसीबत आए तो फैमिली एकजुट हो। आइए ऐसी एक माँ और बेटी से हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। पियानो पर थिरकती हुई उंगलियां बताती हैं कि संगीत का जादू दैवीय और नैसर्गिक होता है। रीवा गायिका होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। रीवा को संगीत विरासत में मिला है। उसने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस मात्र 4 साल की उम्र में दी। मासूम और संवेदनशील रीवा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए म्यूजिक स्कूल खोलना चाहती है। रीवा को संगीत की प्रेरणा मिली अपनी माँ प्रसिद्ध गायिका सोनाली राठौड़ से। गजल, भजन, ख्याल, टप्पा आदि विधाओं को अपने स्वर से सुसज्जित करने वाली सोनाली राठौड़ ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद फैयाज नियाज अहमद खान, उस्ताद मशकूर और मुबारक अली खान से प्राप्त की। इसी दौरान सोनाली की मुलाकात पंडित हृदयनाथ मंगेशकर से हुई, जो कि सोनाली के मेंटोर बने। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु और इंग्लिश आदि भाषाओं में गाने वाली सोनाली राठौड़ का पहला गजल एल्बम 1987 में रिलीज हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी के मशहूर शो मिशन उस्ताद में पति रूप कुमार राठौड़ के साथ उस्ताद जोड़ी सम्मान भी प्राप्त किया। देखा तुमने चुपके से शर्मा गए। बदलते हुए समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने अपनी गायकी के अंदाज को बदला और एक नए कलेवर में पेश किया। घबरा गए एक पल में। लब्ध प्रतिष्ठित माता पिता की लाडली रीवा के लिए स्वर साधना आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। सोनाली रीवा की प्रेरणा है तो रीवा सोनाली का उज्जवल भविष्य। सोनाली जी, रीवा, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनों स्टेज पर आएं और हम चाहेंगे कि SBI के चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर सुनील पन भी यहाँ पर आएं। I want to thank you for everything and for all your love and all your care. And have I ever told you how much I love you? No, I guess haven't. Not. So I'd like to thank Doordarshan and Mukesh ji for this wonderful opportunity. And this is such a lovely concept that we can express to our mothers, you know, the children. And we're so lucky to have, I'm so lucky to have a mother like her. And I love you more than anything in this world. Thank you. So thanks for being there, and I'm whatever I am, it's all because of you. Maa, tum meri sabse achhi dost ho. Main is maa beti ke pyare se couple mein ek aur vyakti ko shamil karna chahungi, mere pati Shri Roop Kumar Rathod ji, kyunki ek hamara ek anutha parivar hai. जो माँ बेटी पापा ये सारे कुछ रिश्ते कुछ घुलमिल से गए हैं
और कभी कभी माँ का रोल मेरे पति भी अदा करते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पति ने कहा कि भाई अगर लड़का हुआ तो एक और ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो नो मोर, दैट्स इट। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म दैट मुकेश जी हैज़ क्रिएटेड। और मैं चाहूँगी कि सिर्फ दूरदर्शन नहीं, लेकिन ये सब आज के तमाम चैनल्स जो है, सोनी कलर्स वगैरह वगैरह, सब पे ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जबकि गर्ल चाइल्ड का मसला इतना अनूठा बन चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जो यहाँ पे शब्द प्रेरणा जो है, ये अपने में एक इंस्पिरेशन ही है जी। और आज के यहाँ पे जितने कार्यक्रम के फैसेट्स देखे, दे हैव ऑल बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग, दे हैव ऑल हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट मिस्टर मुकेश शर्मा फॉर presenting a program which looked like a cultural program but which carries such a strong endorsement of values, of the affection and of the strength of motherhood, that it hits us sitting there. I'm not saying physically, of course, yeah, but it's a very strong emotional message that has got conveyed. Aur isse lagta hai ki kai baar hum log apni mothers ko itna for granted le lete hain. They are there, we expect रेफ्रिजरेटर है, दीवार है, सोफ़ा है, मदर भी है, बट रियली स्पीकिंग जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे बनने में, हमें बनाने में और आज जहाँ हम पहुँचते हैं उसके लिए, जो पहली गुरु हैं, जो पहले हमें दर्शन देती हैं, जो पहले हमें शास्त्रों का ज्ञान देती हैं, वो हमारी मदर हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी नाइस एनेक्डोट विच आई हैव फ्रॉम द टाइम, देयर वॉज अ ग्रीक लेडी हु वेंट टू हेरोडोटस एंड सेड, माई सन इज़ 5 years old, when should I begin his education? He said, madam, you are 5 years too late. So I think with that, my compliments to you and madam to you. Aur aap jahan pe jitni bhi mothers aayi hain aur jitni mothers ko aap represent karti hain, mere khayal se un sab ke liye aaj ek aisa din hai jahan hum unko fir se yaad kare aur ye pratigya kare ki aaj hi nahi par har waqt, hamesha, har roz unko yaad kare. Aur jo unhone hame bachpane mein ek bilkul niswarth support diya hai, उसको हम रियली एप्रिशिएट करें। माँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त।